गुड इवनिंग, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ दिवाली के लिए। अब पूजा नहीं की हूँ, थोड़ा दिया वया जलाती हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। एक्चुअली मैं सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब हम लोग सब पूजा कर रहे हैं। सब्जी वब्जी बना के रख दिए, खीर बना के रख दिए। मेरी सासू माँ को मन नहीं लग रहा था तो ये यहाँ पे अभी आटा गूंथ रही है और देवरानी भी थोड़ी तैयार हो रही है। इसके बाद फिर हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। और देखिए कि मैंने ये बनाया है, इतना देखिए बहुत ये से तो नहीं, लेकिन जैसा वो आया उस तरह से मैं बनाई हूँ। और बच्चे सब तो मान ही नहीं सकते हैं, वो लोग वहाँ पे पटाखा छोड़ रहे हैं दरवाजे पे। बच्चे सब दरवाजे पे पटाखा छोड़े हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग पूजा करने वाले हैं। तो सारी बदल ला। हे गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और यहाँ पे पास में ही एक मंदिर है, तो यहाँ पे देखिए हम तीनों देवरानी जेठानी सब मिल के जा रहे हैं मंदिर। और इसके बाद ये लोग सब गॉसिप कर रही है कि आपने साड़ी चेंज की, आपने ये की, जस्ट एज ए लेडी का। और यहाँ अंधेरा है और बच्चे आप देख सकते हैं कि बच्चा सब यहाँ पे ये कर रहा है। ए हीरो सब चलेगा पकड़े ना, मेरा भी लोग का कितना अच्छा शूटिंग शूटिंग करती है बेटा। जरा हे गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिव जी का मंदिर है। अभी मंदिर पूरा कंप्लीट बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग गांव के मंदिर में आ गए हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मैं और मेरी दोनों देवरानियाँ साथ में आके पूजा कर रहे हैं और जा रहे हैं अब यहाँ पे हनुमान मंदिर। और जैसे कि पिछले मतलब इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कई बार पहले ही कि ये मंदिर नया ही बना है। और इस मंदिर में जब पूजा हुई थी तो हम लोग ही इस पूजा में बैठे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ हम लोग आ गए हैं हनुमान मंदिर पूजा करने के लिए। और यहाँ पे सभी लोग दिया जला के जा चुके हैं, जिनको जिनको जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे दिया जला रहे हैं। और आप देख सकते हो कि मंदिर में शीशा चढ़ा दिया गया है हनुमान जी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना ये लोग, ये पत्थर का बना हुआ है, इनको स्पेशली राजस्थान से मंगाया गया है। और ये लोग क्या करते हैं ना, उस पर इतना ज़्यादा सिंदूर डाल देते हैं या फिर पानी डाल देते हैं, अगरबत्ती पास रख देते हैं, दिया रख देते हैं, जिनसे कि ये फोटो मतलब ये मूर्ति ख़राब हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे शीशा का कवर कर दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर गाइज हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर घर जाएंगे। और जो बाकी का रेस्ट दिया है वो अभी जलाया नहीं है, तो उसके बाद वो जलाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो गया। और इसके बाद एक और मंदिर है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, सत्संग भवन है, और वहाँ पे भी हम लोग दियाबाती करेंगे क्योंकि सब लोग करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग मंदिर के पास ही एक और वो क्या कहते हैं ध्वजा रखा रहता है ना, देखिए यहाँ पे, तो इस ध्वजा में भी हम लोग दियाबाती किए, दिया जलाए। इसके बाद फिर दिया जलाने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं सत्संग मंदिर। और देख सकते हैं कि यहाँ सत्संग मंदिर अभी कच्चा ही बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है घर, और अभी पक्का का बन रहा है और स्टार्ट हो गया है बनना। तो अब यहाँ पे हम लोग वहाँ पे दियाबाती जलाने के बाद वापस आ गए हैं घर। तो अभी हम लोग मंदिर से आ गए हैं और मंदिर से आने के बाद अभी अब हम लोग जो बाकी का रेस्ट दिया वगैरह है वो जलाएंगे। और यहाँ रीना बैठी है दिया जलाने के लिए, देख सकते हैं रीना को। हाय रीना, हेलो, देखो पलथम मार के हमारी रीना बैठी। और वहाँ पुष्पम रानी भी बैठ गई है, उस बरामदे पे आप देख सकते हैं कि पुष्पम रानी भी बैठ गई है। हेलो, मैं कैमरामैन। और ये आधा अधूरा कैमरामैन, ऐसा कैमरामैन तो कभी भी पिटाई खा जाएगा, दुल्हन का पता चलेगा कि सब रस्म और रिवाज हो गया। और उसके बाद पानी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पूरी ये नहीं हुई है, तो अब थोड़ी देर में यहाँ पे पूजा करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर 8 बजे कम हो रहा था, देखती हूँ कि कब करती हूँ। दीपावली उससे वही ना की पूजा के पास दे रहे हैं।
क्या हुआ? गैस नहीं जलेगा? हमको बदनाम करता है, बोले तो बोले अलग बोले गाड़ी पास नहीं दिया गाड़ी इधर है लगा दीजिए कौन गाड़ी प्रोग्राम में ऐसा प्रोग्राम आया है ना बिना मांगे ही ना बहुत अच्छा मटेरियल हमको मिल गया क्योंकि रीना यही आके डांस कर रही थी अच्छी बहू का टैग वाला मजाक में बोले ना तो हम समझ गए ना मैंने पुष्पा पुष्पा